केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शाह ने लिखा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज को भी दबा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और भारत संविधान को कैसे कुचला गया था। ये भारत के इतिहास के में कांग्रेस द्वारा लाया गया एक काला दौर था और उधर कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद बताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद है, जिसने 10 साल तक अघोषित आपातकाल लगाया था। उसके बाद भारत के लोगों ने उसे 4 जून 2024 को एक निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार दी, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर अब क्या प्रतिक्रियाएं आने वाली हैं। फिलहाल भाजपा नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस दिन के लिए, दिखाते हैं आपको। वह इतिहास के पन्नों में काला दिन, काला दिवस, काले अक्षरों से लिखा काला पन्ना है। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई कांग्रेस के द्वारा और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, इमरजेंसी लागू करके और जिस प्रकार के कई परिवारों को अनाथ किया, देश में वह काला दिन है, काला दिवस है और पूरी दुनिया में उसकी निंदा है। ऐसे ही संविधान की बात करने वाले राहुल गांधी जी और कांग्रेस और उनके मित्र लोग संविधान की पुस्तक तो हाथ में रखते हैं लेकिन संविधान का पालन वो स्वयं नहीं करना जानते। बाबा साहब अंबेडकर साहब, जिनको सही मायने में जो सम्मान मिला है, जो अंबेडकर साहब का सम्मान हुआ है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद हुआ है। उससे पूर्व किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास देख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हुए अंबेडकर साहब सदन में ना आ जाएं इसलिए उनको उन्होंने हराया और उसके बाद में उनके कृत्य देख लें, संविधान को तो अपने तरीके से उपयोग लिया। संविधान की बात कहने वाले उनकी ही दादी ने, इंदिरा गांधी ने किस तरीके से यहाँ पर संविधान की धज्जियाँ उड़ाई और इमरजेंसी लागू करके देश के कितने ही परिवारों को किस तरीके से काले पानी से ऐसी सजा, उससे भी ज़्यादा ताड़ना देने वाली सजा उनके द्वारा हुई, कितनों की हत्याएं हुई, उसमें उसका जिम्मेदार कौन है? स्वयं इंदिरा गांधी है, गांधी परिवार है, कांग्रेस है। जो निरंतर संविधान की बात करते हैं वो अंबेडकर साहब को सम्मान तक नहीं दिला पाए। आज बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान भी है और साथ में कितने उनके नाम की योजनाएं भी है और ये संविधान की बात करने वाले संविधान के हत्यारे हैं। इसलिए 25 जून जो है वाकई में संविधान का वह काला दिन है, काला दिवस है। 1975 की वह पीड़ा है जो वह पीड़ा कभी जन्म जन्म तक नहीं भूल सकता ये भारतवर्ष। आज भारत सरकार ने 25 जून को जो संविधान हत्या दिवस घोषित किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और श्री अमित शाह जी और भारत सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज के दिन में जो लोग संविधान परिवर्तन की बात का गलत नैरेटिव सेट करके देश भर में भ्रम फैला रहे हैं उन लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब है। 42वां संविधान संशोधन कर जिस कांग्रेस ने लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था, जो हजारों लोगों के साथ जातियां की गई थी, प्रेस का मुंह बंद कर दिया गया था, न्यायपालिका का गला घोट दिया गया था, उसके बाद में और इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा की अवधि बढ़ा दी थी, सारा काम करने वाले लोग जो 19 महीनों तक लाखों लोगों की जबरन नसबंदी करने वाले लोग और संविधान की हत्या करने वाले लोग आज संविधान के संरक्षक बनना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं के जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और जेपी आंदोलन के लोगों ने जबरदस्त सत्याग्रह किया और फिर स्वतंत्र में इस सरकार को उखाड़ फोंका और 48वां संविधान संशोधन कर इन सब कामों को निरस्त किया। आज का दिन इस बात का दिन है गो सरकार का कि उन संविधान सेनानियों को जिन्होंने उस समय संघर्ष किया था उनका सम्मान किया जाए।
और आज संविधान हत्या दिवस मनाना उनका सम्मान है और ये दिवस हर साल मनाया जाना चाहिए ताकि भारत में फिर कोई आदमी तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या नहीं कर सके।